इनको पेश करते यहाँ पर संडे हाउसफुल में, चाहे गांव बना में यहाँ पर नासिक में बीच में मुकाबला होगा और इनाम रखा गया यहाँ पर बकरा और 500 रुपया का, और काफी जबरदस्त मुकाबला होने की यहाँ पर संभावना लग रही है। और यहाँ पर जिस तरह से इनाम रखा गया है बकरा और 500 रुपया का, और दोनों पहलवान काफी यहाँ पर जी जान से कुश्ती लड़ेंगे और यहाँ पर किताब को अपने नाम करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चालीस गांव वर्सेज यहाँ पर नासिक के बीच में काफी जबरदस्त मुकाबला होगा। लखमापुर कुश्ती दंगल का आप मजा ले रहे हो, काफी जबरदस्त यहाँ पर कुश्ती दंगल में, जिस तरह से वहां पर फैन देख रहे हैं कि यहाँ पर बकरा इनाम को कौन सा पहलवान यहाँ पर अपने यहाँ पर कब्जा बनाकर जीत करता है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से मुकाबला होगा, नासिक के पहलवान भी काफी कड़क लग रहे हैं, जिस तरह से चालीस गांव का पहलवान भी काफी कड़क है, लेकिन जिस तरह से मुकाबला जैसे आगे बढ़ेगा काफी रोमांचक यहाँ पर मूड में जाएगा। लगता है कि जिस तरह से मुकाबला होगा काफी अच्छा मुकाबला होने की संभावना, काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इनाम को जिस तरह से वहां पर पंचर के गए हो, इनाम को यहाँ पर बकरा को लेकर चल रहे हो, काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, लेकिन दोनों पहलवान काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर डांटे दिखा रहा होगा और यहाँ पर इनाम को अपने नाम करना होगा। लेकिन सबकी नजर यहाँ पर इस मुकाबले पर टिकी हुई है कि यहाँ पर मुकाबले में कौन बाजी मारता है, और देखना होगा यहाँ पर मुकाबले में क्या होता है। दोनों पहलवान एक बार फिर से यहाँ पर नए तरीके से मुकाबले को यहाँ पर चालू करते हुए काफी जबरदस्त लगता है कि जिस तरह से कोई अनोखा इनाम रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बैठ को पकड़ कर काफी जबरदस्त डापिस दिखाया जाता है, लेकिन कुछ दंगल के बाहर जाते हुए यहाँ पर रेफरी का इशारा होगा कि यहाँ पर कुछ दंगल को यहाँ पर 20 में लाए और लगे एक बार फिर से काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर दबदबा बना चुके। 40 गांव के पहलवान ने यहाँ पर नासिक के पहलवान का कब्जा यहाँ पर कस लिया है। देखना होगा यहाँ पर मुकाबले में क्या होता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पकड़ बनाई है 40 गांव के पहलवान ने यहाँ पर जिस तरह से डाफे दिखा रहे, काफी अच्छे डाव के साथ यहाँ पर पूरी तरह से बच चुका है यहाँ पर नासिक के पहलवान। यहाँ पर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है पूरी तरह से यहाँ पर दबदबा बना चुके 40 गांव के पहलवान। देखना होगा यहाँ पर नासिक के पहलवान कब पलटवार करता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पैर में पैर डालकर जिस तरह से वहां पर पचाए उनको यहाँ पर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। डापेस में पूरी तरह से बच चुका है और काफी जबरदस्त डापेस का यहाँ पर नमूना दिखाते हुए 40 गांव के पहलवान को यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है कि आप अच्छी तरीके से यहाँ पर डाव दिखाए, क्योंकि पहलवान को कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पैर को यहाँ पर देखा जा रहा है यहाँ पर रेफरी द्वारा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर बच चुका है नासिक के पहलवान। 40 गांव के पहलवान काफी कड़क लग रहा है जिस तरह से वहां पर डाव पेश दिखा रहा है, लेकिन जो इनाम रखा गया उस इनाम को जीतने के लिए काफी जबरदस्त यहाँ पर जी जान लगा रहा है 40 गांव का पहलवान और नासिक का पहलवान भी, जिस तरह से कुश्ती में अभी भी बना हुआ है। काफी अच्छा लगता है कि जिस तरह से इनाम रखा जाता है, बकरा इनाम रखा गया और 500 रुपया यहाँ पर अगर कोई भी पहलवान वहां पर जीत दर्ज करता है तो उनको दिया जाएगा। वो काफी अच्छे यहाँ पर मिट्टी लगाकर एक बार फिर से यहाँ पर पैर को पकड़कर डाव पेश देखकर यहाँ पर नजारा दिखाना चाहते थे, लेकिन नासिक के पहलवान भी उनको मौका नहीं दे रहे जिस तरह से वहां पर पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन देखना होगा मुकाबले में आगे क्या होता है। काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर बचा चुके हैं, काफी यहाँ पर अलग डाव में फंस चुका है पहलवान नासिक का, यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा बना चुके, मुकाबले यहाँ पर जीत के आसपास आ चुका है, यहाँ पर मुकाबले को जीत लिया 40 गांव के पहलवान ने। काफी जबरदस्त प्रदर्शन का यहाँ पर नजारा पेश किया और यहाँ पर उनको इनाम दिया जाएगा बकरा और 500 रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और काफी जबरदस्त रहा है मुकाबला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसी कुश्ती आपको इन पर चैनल को बार बार देखने को मिले। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे नई कुश्ती के साथ।